नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश ग्राम सभा मझौलिया ग्राम प्रधान हेतु विकास कार्यों का समीक्षा करने पहुंचे हैं। आइए प्रधान जी से पूछते हैं विकास के बारे में, अभी तक इन्होंने कितना विकास करवाया है। कुशवाहा ग्राम पंचायत मझौलिया, ये बताइए आपके यहाँ शौचालय कितना बना है? हमारे यहाँ 470 शौचालय बने हुए हैं। बनके कंप्लीट हो गया? बनके कंप्लीट हो गए, ऑलरेडी काम चल रहा है। मतलब सब लोग शौचालय में जाते हैं। और आवास 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 हमारे यहाँ जो लाभार्थी पात्र थे पहले 2011 की सर्वे की सूची थे, उन लोगों को तो मिल चुका है, लेकिन कुछ अब जो है नए पात्र हुए हैं जिनका ऑनलाइन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मतलब पैसा नहीं मिला है। डस्टबिन और डस्टबिन हमारे वहाँ लग चुका है। कितना लगा होगा? हमारे वहाँ 16 डस्टबिन लगा था। और पेंशन? पेंशन जो है पहले के जो मतलब लाभार्थी थे हमारे कार्यकाल में 30-40 लोगों का जो है 40 लोगों का जो है पेंशन मतलब हो चुका है। पैसा भी आ रहा है। सड़क का काम जैसे खड़ंजा इंटरलॉकिंग, सड़क का काम जो है अभी भी कुछ बाकी है, जब जैसे पैसा बजट आता जाएगा वैसे काम होता जाएगा। और कुछ काम जो है इस समय चल रहे हैं। सोलर लाइट का? सोलर लाइट जैसे हमारे वहाँ नहीं लगा है, अभी मात्र 3 लगा है। अब उसमें जो है सोलर लाइट में कुछ परेशानियाँ हैं, उस वजह से जो है स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। 50 पीस लगा हुआ है। ये जैसे आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है चाहे जूनियर हाई स्कूल सरकारी? हमारे वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बाउंड्री, जूनियर में भी बाउंड्री, और हमारे प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का भी काम हो चुका है। नाली का काम हुआ होगा आपके यहाँ? हाँ, हमारे वहाँ भूमिगत नाली इंटरलॉकिंग और जो है मनरेगा से संबंधित कच्ची सड़क पोखरी इसका ये सब काम जो है हो रहा है। थोड़ा सा और जानकारी हम आपसे लेंगे, जैसे आपके ग्राम सभा के लोग जैसे आपके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, हमारे काम से संतुष्ट हैं। आपको कोई शिकायत आपके ग्राम सभा से? कोई शिकायत नहीं है। सब लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। बाकी कोई समस्या आपका? कोई समस्या नहीं है। राशन कार्ड जो आया था ब्लॉक से वो भी हमने जो है बैठ करके और जो है पूरे गाँव का राशन कार्ड मैंने वितरित करा दिया। ठीक प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आरबी न्यूज लाइव से संवाददाता सोनू कुमार यादव।